हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूँ सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 93 है और बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 पर है। इसमें 13 चैप्टर थे कुल, और ये वीडियो अंतिम 3 चैप्टर पर आधारित है। आइए चैप्टर वाइज हाईलाइट ले लेते हैं। चैप्टर वाइज हाईलाइट में चैप्टर 11 ह्यूमन डेवलपमेंट पर आधारित है। बिहार सरकार के दस्तावेज में चैप्टराइजेशन हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बिहार सरकार का। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या कुछ कहा गया है दस्तावेज में, ये देखें। राज्य सरकार के विकास प्रयासों के प्रभाव को अच्छी तरह से समझने के लिए मानव विकास के स्तर का अध्ययन करना आवश्यक है। यदि स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एफर्ट्स जो हुआ है और उसका जो इफेक्ट पड़ा है उसको अगर बढ़िया से जज करना है तो क्या करना, किस चीज़ का अध्ययन करना होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल का स्टडी करना पड़ेगा बिहार में। तो सामाजिक सेवाओं के लिए राज्य सरकार के व्यय का हिस्सा कुल व्यय में बढ़ा है। सोशल सर्विसेज में स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है, ये कहना है। ये सब लाइन नोट करने लायक है कि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं में राज्य सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो देख लें, थोड़ा सा डेटा पर जाएं, वर्ष है और सामाजिक सेवाओं पर व्यय है ये, सामाजिक सेवाओं पर व्यय। और ये 2015-16 में कितना था? 34.4%, और 2020-21 में 44% हो गया। तो ये जो इंक्रीमेंट है बिहार में इस अवधि में 16.6% है, और अगर इसी अवधि में भारत का देखेंगे वृद्धि सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो हुआ है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया लेवल पर, तो 13.8% है। तो बेहतर है बिहार का एवरेज, इससे यही पता चलता है। और ये सब डेटा नोट कर लेंगे तो काम आएगा। सामाजिक सेवाओं में बढ़ी हुई व्यय का लाभ सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को मिला है? ये जो अभी आप ऊपर पढ़े सामाजिक सेवाओं पर व्यय, उसका जो बेनिफिट है सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को मिला है, हेल्थ और एजुकेशन को। तो आइए स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है। यदि इसका लाभ मिला है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को, तो हेल्थ सेक्टर में क्या लाभ हुआ है? तो बिहार में आईएमआर भारत से कम है। आईएमआर हुआ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ये बिहार बनाम भारत है और ये आईएमआर का डेटा है। बिहार में क्या हाल है? 29 मृत्यु प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर, 29 डेथ्स पर 1,000 लाइव बर्थ्स। आईएमआर ऐसे ही निकाला जाता है, 1,000 जीवित बच्चों पर कितनों की मृत्यु हुई उससे आईएमआर जाना जाता है। तो ये 29 है बिहार में, और भारत में अगर देखेंगे ये 30 है, 30 डेथ्स पर 1,000 लाइव बर्थ। तो बिहार का एवरेज अच्छा है। अब देखें बिहार में दिसंबर 2021 तक 10 करोड़ से अधिक लोग टीकाकृत हो चुके हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट है हेल्थ सेक्टर में। और अब आइए शिक्षा क्षेत्र में। बिहार में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन, इसका डेटा अगर लेंगे कितना हुआ है प्राइमरी लेवल पर
इनरोलमेंट ये वर्ष है और ये प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन है लाख में। तो ये 2019-20 का डेटा है जिसमें कुल 139.47 लाख हुआ नामांकन 2019-20 में। अब उसमें से लेंगे अगर लड़के कितने हैं तो 71.34 लाख और लड़कियां कितनी 68.13 लाख। तो ये डेटा है 19-20 का प्राइमरी स्टेज पर कुल एनरोलमेंट का। अब ये ड्रॉप आउट रेट क्या हुआ है बिहार में, प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक स्तर में ड्रॉप आउट रेट घटा है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ड्रॉप आउट रेट बिहार में घटा है, बढ़ा है, स्थिर रहा है, इस तरह से ऑप्शन डाल के पूछ सकता है। तो बिहार में ड्रॉप आउट रेट घटा है प्राइमरी और उच्चतर प्राइमरी लेवल में। अब ये इसका थोड़ा सा डेटा ले लीजिए, ये ईयर है और ड्रॉप आउट कम होने की दर है प्राथमिक स्तर उच्चतर प्राथमिक स्तर 2012-13 से 2019-20 के बीच का डेटा लिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो प्राइमरी लेवल तक ये ड्रॉप आउट कम हुआ है 9% और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 7.9% कम हुआ है ड्रॉप आउट। तो इस डेटा को आप याद रख लेंगे, ड्रॉप आउट रेट पूछा जाता है। अब आइए चैप्टर 12 में, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पर आधारित है, चैप्टर 12 बाल विकास पर। इसमें एक लाइन लिखा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में कि कोई मानव विकास संभव नहीं है जब तक कि यह बाल विकास से शुरू ना हो। ये बात भी सही है, बाल विकास जब तक होगा नहीं तो मानव विकास कैसे हो पाएगा। तो बिहार में पिछले 7 वर्षों के दौरान बाल विकास पर व्यय में स्टडी इंक्रीज होता रहा है। ये भी पॉइंट नोट करने लायक है, पिछले 7 वर्ष का डेटा है और उस दौरान क्या है, बाल विकास पर जो व्यय किया गया है बिहार में उसमें स्टडी इंक्रीज होता रहा है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है एकदम एक समान चाल से, धीरे धीरे इसमें व्यय बढ़ा है। तो ये सब टर्म याद रखने लायक है, बाल विकास पर व्यय में स्टडी इंक्रीज होता रहा है पिछले 7 इयर्स के दौरान। अब है कि 2013-14 से 2019-20 के दौरान बच्चों पर कुल व्यय कितना हुआ है, 22.7% के वार्षिक दर से बढ़ा है। ये डेटा याद रखेंगे, 22.7% के एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज आगे बढ़ा है इसमें व्यय जो किया गया है। अब है कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, शैक्षिक अवसंरचना, उसके अंतर्गत सभी प्रकार के विद्यालयों में क्रियाशील पेयजल सुविधा, शौचालयों का आच्छादन यानी कवरेज वर्तमान में बिहार में 90% से अधिक है। यानी कि जो फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है सभी प्रकार के विद्यालयों में और जो लेबोरेटरीज है उसका कवरेज 90% से अधिक है बिहार में। यही इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अच्छा है। अब है वर्ष 2020-21 में 6 से 13 वर्षों की आयु वर्ग में कुल 1.12 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन विभिन्न हस्तक्षेपों के द्वारा मुख्य धारा में लाए गए, इनमें लड़के व लड़कियां क्रमशः 0.58 लाख एवं 0.54 लाख थे। तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का डेटा है, तो
उसको भी मैन स्ट्रीम्ड किया गया 2020-21 में। और ये किस एज ग्रुप के बच्चे थे, 6 से 13 वर्ष। तो ये अच्छा है, इंटरवेंशन होना ही चाहिए। बच्चों का जो फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट होता है वो स्कूल ही होता है, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन को भी स्कूलों से जोड़ने का काम हुआ है। तो देखिए, ये दूसरा पॉइंट है, 19-20 की तुलना में 20-21 में बिहार में OOSC की संख्या घटी है, ये भी पॉइंट याद रख लेंगे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन को OOSC बोला जाता है शॉर्ट में, तो ये संख्या घटी है, यानी कि काम हुआ है, जो बच्चे बाहर थे स्कूल से उसको स्कूल से जोड़ा गया है 2019-20 की तुलना में 2020-21 में। तो अब आइए डेटा थोड़ा ले लेते हैं इसका, OOSC का ये वर्ष है, ये OOSC की संख्या है 19-20 में 1.44 लाख, 20-21 में 1.12 लाख, ये डेटा है। अब आते हैं चैप्टर 13 में, ये लास्ट चैप्टर है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड डाइजास्टर मैनेजमेंट, इससे जुड़ा हुआ अध्याय है ये। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है सर्वेक्षण में, उसके हाईलाइट पर आते हैं। तो एक चीज़ सामने आई है कि COVID-19 का जो संकट आया, उससे ये पता चला कि ग्रोथ का लिंकेज पर्यावरणीय चिंताओं से है, ये भी लाइन याद रखने लायक है। COVID-19 संकट से ही ये बात सामने आई कि जो विकास होता है आर्थिक जगत में, ग्रोथ, उसका लिंकेज इन्वायरमेंटल कंसर्न से है, पर्यावरणीय चिंताओं से, ये तो दिख गया पिछले 2 वर्षों में। पर्यावरणीय सततता, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने की ओर राज्य सरकार प्रयासरत है और इसके लिए कई कार्यक्रमों को लागू किया है, ये होना भी चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार किस तरह का पहल ली है, ये देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन JJHM, इसके अंतर्गत क्या किया गया, 2020-21 में करीब 3.92 करोड़ पौधे सैपलिंग्स लगाए गए और लगभग 4436 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र मिट्टी व नमी संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपचारित किए गए, ट्रीट किए गए। ये मिट्टी व नमी संरक्षण कार्य के अंतर्गत उसको ट्रीट किया गया, 4436 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र को। ये जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत किया गया और ये अच्छी बात है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब देखें, 2020-21 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग DOEF&CC का कुल व्यय कितना था बिहार में, 694 करोड़ रुपये, इतना एक्सपेंडिचर था 2020-21 में। और 2020 के दौरान बिहार ने कुल 1385 मिलीमीटर वर्षा पात प्राप्त किया, जो लॉन्ग रन एवरेज रेनफॉल से करीब 37% अधिक था, ये अच्छी बात है, वर्षा रेनफॉल अधिक हुआ 2020 के दौरान। अब लास्ट पॉइंट है, इंद्र वज्र नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसका काम क्या है, 20 किलोमीटर के भीतर अगर ठनका गिरता है तो कम से कम 40 मिनट पूर्व समुदाय को चेतावनी दे दी जाएगी, यही है इंद्र वज्र मोबाइल ऐप। ये अच्छा है, पिछले कई सालों में ऐसा डेटा आया कि ठनका गिरने से कई लोगों की मौत हुई है,
तो इस लिहाज से ये मोबाइल ऐप अच्छा है। तो इस तरह से ये सेट तो संपन्न हो रहा है। और बिहार ESR यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 का सारा चैप्टर का हाईलाइट पिछले दो तीन वीडियो और ये लगा के लगभग चार वीडियो में समाप्त होता है। आप इसका अध्ययन करें, ये सब पूछेगा एग्ज़ाम में, खास करके BPSC CDPO में। और इसको जो नोट करना है वो नोट करें और फिर नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।